विंडोज 7 में जब हम वीबी इंस्टॉल करते हैं, वीबी 6, तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो ऑब्जेक्ट मूव करते वक्त आता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाते हैं और उसको ड्रैग करते हैं या उसको मूव करते हैं, तो वो मूव होते वक्त जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है, इस तरह से नज़र आता है कि हम एक जगह से उसको दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता करके जर्क आते हैं उसमें, वो मूव होते वक्त बहुत परेशान करता है। अगर इसी तरह से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स और लेबल वगैरह बनाए हुए हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते वक्त काफ़ी टाइम लग जाता है और ये स्लो हो जाता है कभी कभी, तो उसको देखते हैं कि इसका क्या हल है और इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार, हम इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद तो जो हमारा विजुअल बेसिक इंस्टॉल है जहाँ पर, उसे हम प्रॉपर्टीज़ में पहले चेक कर लेते हैं कि वो एप्लीकेशन vb6.exe फाइल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर vb98 के फोल्डर में रखी हुई है। ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और इसमें विजुअल स्टूडियो के फोल्डर में vb98 का एक फोल्डर होगा जहाँ हमें vb6.exe की फाइल मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे राइट क्लिक करके, यहाँ जाके कॉम्पेटेबिलिटी, और यहाँ से हम डिसेबल डेस्कटॉप कंपोजिशन पे चेक लगा देंगे और अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो कलर स्कीम को सेट कर देगा जब तक के वीबी हम यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट हम अब बआसानी इसको इसी तरह से मूव कर सकते हैं जैसे कि हम विंडोज़ 98 में यूज़ करते थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।